तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में जिग्सो मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। इस मूवी को आप सॉ सीरीज का 8वां पार्ट भी कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि इसका सॉ सीरीज के बाकी पार्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इस मूवी में हम जॉन क्रेमर को देखने वाले हैं। और अगर जॉन क्रेमर है तो किल्स तो होंगे, और साथ ही साथ इस मूवी की एंडिंग काफी कमाल की है, तो एक्सप्लेनेशन को एंड तक देखिएगा। तो चलिए अब ज्यादा वक्त ना गवाते हुए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत जॉन क्रेमर की मौत के 10 साल बाद चालू होती है, और हम देखते हैं कुछ पुलिस ऑफिसर्स को जो एडगर नाम के एक क्रिमिनल का पीछा कर रहे होते हैं। इसके बाद हम डिटेक्टिव हेलोरन को देखते हैं जो बाकी पुलिस ऑफिसर्स के साथ एडगर को घेर लेता है। एडगर के हाथ में एक रिमोट होता है और वो कहता है कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे एक नया गेम स्टार्ट करना होगा। एडगर जैसे ही बटन प्रेस करता है, सारे पुलिस वाले उसके हाथ पे शूट कर देते हैं। इसी बीच एक गोली एडगर के सीने पे लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है और बोलता है कि गेम चालू हो चुका है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम 5 लोगों को देखते हैं जिनके सर पे बकेट्स लगी होती हैं और उन्हें ट्रैप करके रखा गया होता है। टाइमर के खत्म होने पे उनकी आँख खुलती है और एक स्पीकर से उन्हें जिग्सो की आवाज़ सुनाई देती है। जिग्सो उन्हें बताता है कि पास्ट में उन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं और उन्हें उन्हीं सब गलतियों को कन्फेस करना पड़ेगा। पहले टेस्ट में उन्हें अपना थोड़ा सा ब्लड सेक्रीफाइस करना था, जिससे उनके सर से बकेट हट जाती और वो आगे वाले कमरे में एंटर कर पाते। इसके बाद चेन उन सभी को सामने लगे सॉस पे खींचने लगती है। तभी उनमें से एक औरत उन सॉस की मदद से अपना हाथ काटती है, जिससे उसके सर से बकेट हट जाती है, और वो ये बात सबको बताती है। एक एक करके वो सभी लोग अपना थोड़ा थोड़ा ब्लड सेक्रीफाइस करते हैं, जिससे उनके सर से बकेट हट जाती है। लेकिन उनमें से एक बंदा अभी भी अनकॉन्शियस होता है और वो उसी हालत में चेन से खींचा जा रहा होता है। चेन खींच के बाकी सबको नए कमरे में ले जाती है, लेकिन वो बंदा जो सो रहा होता है वो मारा जाता है। इसके बाद पार्क में हम कुछ लोगों को देखते हैं जिन्हें उसी बंदे की डेड बॉडी मिलती है। हेलोरन और हंट उस डेड बॉडी को 2 पैथोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं जिनके नाम थे लोगन नेल्सन और एलेनर बोनिवेल। लोगन को उस डेड बॉडी में से एक पेनड्राइव मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि जिग्सो वापस आ चुका है। दूसरी तरफ हम बचे हुए 4 लोगों को देखते हैं जो अगले कमरे में पहुंच चुके होते हैं। तो अब मैं इन बचे हुए 4 लोगों का इंट्रोडक्शन कर देना चाहूंगा। तो सबसे पहला है मिच, दूसरी है कार्ली, तीसरी है एना और चौथा है रेन। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे जिग्सो का पपेट आता है जिसपे लिखा होता है कन्फेस। इसके बाद चेन फिर से उन सभी लोगों को खींचने लगती है और तब जाके ये सभी लोग अपने क्राइम कन्फेस करना चालू करते हैं। मिच बताता है कि उसने एक लड़के को एक मोटरसाइकिल बेची थी, जिसे ड्राइव करते वक्त उस लड़के की जान चली गई थी, लेकिन वो इस बात से साफ मना कर देता है कि इसके अंदर उसकी कोई गलती थी। एना बताती है कि उसके बच्चे की गलती से मौत हो गई थी जब उसका हस्बैंड उसके ऊपर गलती से सो गया था, और एना का भी ये कहना होता है कि इसके अंदर उसकी कोई गलती नहीं थी। इसी बीच मिच को एक टेप प्लेयर मिलता है और वो जैसे ही टेप प्लेयर को उठाता है, सारी चेन अपने आप ही रुक जाती है। टेप से उन्हें पता चलता है कि उनमें से कोई एक चोर है जिसने एक अस्थमा पेशेंट का पर्स चुरा लिया था और इसी कारण से उसकी जान चली गई थी। वो पर्स चुराने वाली कार्ली थी और इसीलिए जिग्सो ने उसके बॉडी में पॉइजन इंजेक्ट कर दिया होता है। टेप की बात खत्म होते ही उनके सामने 3 इंजेक्शन आते हैं, जिनमें से एक में एंटीडोट था, दूसरे में सलाइन वाटर और तीसरे में एसिड। इसके बाद चेन उन सभी को ऊपर खींचने लगती है, लेकिन कार्ली कोई भी इंजेक्शन लेने से मना कर देती है और इसीलिए रेयन उसके ऊपर सारे इंजेक्शंस लगा देता है। ऐसा करते ही वो सभी उस चेन से आजाद हो जाते हैं, लेकिन कार्ली की बॉडी मेल्ट होने लगती है और वो मारी जाती है। इसके बाद मिच को उन सभी इंजेक्शंस पे एक कोड मिलता है, जिससे वो लोग नेक्स्ट रूम में एंटर करते हैं। उस रूम में एक दरवाजा होता है जिसपे लिखा होता है नो एग्जिट, लेकिन फिर भी रेयन उस दरवाजे से एस्केप करने की कोशिश करता है। उसके ऐसा करने पे नीचे के फ्लोर बोर्ड्स टूट जाते हैं और उसके पैर वायर्स के बीच फंस जाते हैं। वहां पर उन्हें एक और टेप रिकॉर्डर मिलता है और उससे उन्हें पता चलता है कि रेयन ने रूल्स को ब्रेक किया है और अगर उसे इससे बाहर निकलना है तो उसे लिवर को खींचना होगा। लिवर को खींचते ही उसके पैर कट जाते हैं और वो वहां से आजाद हो सकता था, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है। एना और मिच एक सिलेंड्रिकल रूम में एंटर करते हैं जहां पर वो दोनों ट्रैप हो जाते हैं और उनके ऊपर ग्रेन्स के साथ साथ ढेर सारे शार्प टूल्स भी गिरने लगते हैं। रेयन समझ चुका था कि अगर उसे उन दोनों को बचाना है तो उसे लिवर को खींचना पड़ेगा, और इसलिए वो लिवर को खींच देता है जिससे उसका पैर कट जाता है। लेकिन मिच और एना आजाद हो जाते हैं और वो एक दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है जो एसिड से बुरी तरह जल चुकी होती है।
हेलोरन को लोगन और एलेनर पे शक होता है और इसलिए हंट को वो उन दोनों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। इसी बीच लोगन और एलेनर जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि एलेनर जिग्सॉ की बहुत बड़ी फैन है और उसने जिग्सॉ के सारे ट्रैप्स को रिक्रिएट करके एक म्यूजियम जैसा बना के रखा होता है। वो जब अपना कलेक्शन लोगन को दिखा रही होती है तभी हंट उनकी कुछ फोटोज क्लिक कर लेता है। ट्रैप रूम में एना रेयन के पैर पे बेल्ट बांधती है ताकि ब्लड फ्लो रुक सके। इसी बीच मिच को एक टेप प्लेयर मिलता है जिसपे उसका नाम लिखा होता है। वो जैसे ही टेप को प्ले करता है नीचे रखी रोप्स उसे उल्टा लटका देती हैं। और उस टेप से हमें पता चलता है कि जिस लड़के को मिच ने बाइक बेची थी वो जिग्सॉ का नेफ्यू था। मिच टाइम रहते खुद को नहीं बचा पाता है और उसके साथ कुछ ऐसा होता है। इसके बाद हम एडगर को देखते हैं जो हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा होता है लेकिन कोई उसे किडनैप कर लेता है। पुलिस वाले जब जॉन क्रेमर के कॉफिन को चेक कर रहे होते हैं कि कहीं सही में तो वापस नहीं आ गया है तो उन्हें वहां पर एडगर की डेड बॉडी मिलती है। डिटेक्टिव हंट ने जो भी फोटोज ली होती हैं वो उन सभी फोटोज को हेलोरन को दिखाता है। इन फोटोज के बेसिस पे हंट कुछ पुलिस वालों को लेकर सीधा एलेनर के उस बेस पे पहुंच जाता है जहाँ पर उसने जिग्सॉ के ढेर सारे कलेक्शंस को रखा होता है। थोड़ी देर तक सर्च करने के बाद हेलोरन को एक डेड बॉडी मिलती है जो बुरी तरह कट चुकी होती है और वो मिच की डेड बॉडी जैसी लग रही होती है। हेलोरन तुरंत ही हंट को एलेनर और लोगन को अरेस्ट करने के लिए कहता है। हंट जब लोगन को अरेस्ट करने के लिए पहुंचता है तो लोगन उसे बताता है कि हेलोरन ही अगला जिग्सॉ किलर है और उसने उसे फंसाया है। लोगन ये भी बताता है कि ये हेलोरन ही था जिसने एडगर को सीने पे शूट किया था। इसके बाद लोगन हंट को लैब में ले जाता है और वो उसे वो बुलेट दिखाता है जो हेलोरन की गन से मैच कर रही होती है। लोगन जब घर पहुंचता है तो उसे एलेनर मिलती है जो बताती है कि उसने गेम की असली लोकेशन के बारे में पता लगा लिया है। लोगन एलेनर के साथ उस लोकेशन पे जाने के लिए निकल जाता है लेकिन हेलोरन भी उनका पीछा कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम एना को देखते हैं जिसने वो दरवाजा खोल लिया होता है और वो उस ट्रैप रूम से बाहर निकलने ही वाली होती है लेकिन तभी एक पिग मास्क पहना हुआ आदमी उसे बेहोश कर देता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसके पैर में चेन बंधी होती है और उसके सामने रेयन होता है और उसके भी पैर पे चेन बंधी होती है और उनके बीच में एक आदमी होता है जो कि होता है जॉन क्रेमर। मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने एक्सप्लेनेशन के स्टार्टिंग में ही बोला था कि जॉन क्रेमर मर चुका है तो अभी कैसे जिंदा है। चिंता मत कीजिए, इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। जॉन रेयन को बताता है कि कई साल पहले रेयन की वजह से ही उसके दोस्तों की जान गई थी और इसीलिए आज वो यहाँ पर है। और रही बात एना की तो हमें पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने उसके बच्चे को नहीं मारा था बल्कि उसने खुद ही अपने बच्चे को मार दिया होता है और इसके बाद उसने सारा इल्ज़ाम अपने हस्बैंड पे डाल दिया होता है। इसके बाद जॉन उन्हें एक शॉटगन दिखाता है और साथ ही साथ उसकी एक बुलेट दिखाता है और कहता है कि ये तुम्हारे आज़ादी की चाबी है और इतना बोल के वो उस कमरे से चला जाता है। एना उस शॉटगन को ले लेती है और सीधा रेयन पे एम करती है। वो जैसे ही ट्रिगर दबाती है शॉटगन बैकफायर होती है और एना मारी जाती है। रेयन जब उस गन के पास जाता है तो उसे उस गन के शेल में एक टूटी हुई चाबी मिलती है और उसे याद आता है कि जॉन ने बोला था कि यही तुम्हारे आज़ादी की चाबी है। रेयन इस बात के लिए काफ़ी रिग्रेट करता है और सीन कट होता है। इसके बाद लोगन और एलेनर उस गेम वाली लोकेशन पे पहुंचते हैं और हेलोरन भी उनका पीछा करते करते वहां पर पहुंच जाता है। लोगन को लगता है कि एलेनर ने ये सब किया है और वो उसे कन्फ्रंट करने की कोशिश करता है लेकिन इतने में हेलोरन वहां पे आके उन पे हमला कर देता है और इन सब का फायदा उठा के एलेनर वहां से भाग जाती है। हेलोरन लोगन को मार के एलेनर का पीछा कर रहा होता है लेकिन तभी कोई इंजेक्शन मार के हेलोरन को बेहोश कर देता है। इसके बाद जब हेलोरन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने लोगन होता है और दोनों के गले में एक ट्रैप लगा होता है। लोगन बताता है कि उनके गले के आजू बाजू लेजर बीम्स लगे हैं। तभी स्पीकर से जिग्सॉ की आवाज आती है और वो कहता है कि उन्हें यहाँ से छूटने के लिए अपने क्राइम को कन्फेस करना होगा। हेलोरन तुरंत ही लोगन के लेजर्स के बटन दबा देता है जिस कारण से लोगन को पहले अपने क्राइम कन्फेस करने पड़ते हैं। लोगन बताता है कि उसी ने जॉन क्रेमर के एक्सरे को मिक्स किया था जिसकी वजह से उसका कैंसर अनट्रीटेड रह गया। अपनी गलतियों को कन्फेस करने के बाद भी लोगन मारा जाता है और इसके बाद बारी होती है हेलोरन की। वो एक एक करके अपने सारे क्राइम को कन्फेस करना चालू कर देता है। वो बताता है कि उसने कई क्रिमिनल्स को छोड़ दिया था जिसकी वजह से कई मासूम लोग मारे गए थे। हेलोरन जब अपने सारे क्राइम कन्फेस कर लेता है तो हम देखते हैं कि लोगन उठता है और हमें पता चलता है कि वो जिंदा था और यहाँ तक कि उसके लेजर बीम्स भी नकली थे और साथ ही साथ लोगन ने हेलोरन के सारे क्राइम को रिकॉर्ड भी कर लिया होता है। लोगन बताता है कि कई साल पहले यहाँ पर एक गेम खेला गया था।
अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए वो दो डेड बॉडीज के ऊपर से कपड़ा हटाता है और हम देखते हैं कि वो डेड बॉडी रेन और एना की होती है। यानी कि जो गेम हमने पूरी मूवी में देखा वो अभी से लगभग 10 साल पहले खेला गया था और इसीलिए उस टाइम पे जॉन क्रेमर भी जिंदा था। इनफैक्ट गेम के स्टार्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि एक बंदा था जो अनकॉन्शियस था, वो एक्चुअली में लोगन ही था। जॉन क्रेमर ने एंड मौके पे उसकी जान बचाई थी और तभी से लोगन जॉन या फिर आप कह सकते हैं जिग्सॉ के साथ काम कर रहा था। लोगन जॉन का सबसे पुराना साथी था, यहाँ तक कि वो अमेंडा हॉफमैन और इन सब से भी पुराना था। तो हो सकता है कि आपके उनमें अभी छोटा सा कन्फ्यूजन हो कि अगर गेम 10 साल पहले खेला गया था तो जो प्रेजेंट में डेड बॉडीज मिल रही थी उनका क्या। इसका सिंपल सा रीज़न है कि उन सभी डेड बॉडीज को लोगन ने सेटअप किया था। ये सब बताने के बाद लोगन हेलोरन को कहता है कि जिस एडगर नाम के क्रिमिनल की उसने हेल्प की थी उसकी वजह से उसके वाइफ की डेथ हुई। यहाँ तक कि एडगर को शूट करने वाला भी लोगन ही था, उसने एंड मौके पे उन बुलेट्स को एक्सचेंज कर दिया था और इसी कारण से पूरा शक डिटेक्टिव हेलोरन पे गया। ये सब बताने के बाद वो उसके लेजर बीम्स को एक्टिवेट कर देता है और हेलोरन मारा जाता है। मूवी लोगन को दिखाते हुए ख़त्म हो जाती है। ये था आज का एक्सप्लेनेशन। मैंने आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा अगला वीडियो सॉ 9 से रिलेटेड फैक्ट्स पे होने वाला है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। तो चलिए मैं निकलता हूँ, गुड बाय।